वेलकम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आपके लिए ओपेक्सा एडवांस का ट्रीटमेंट जेल लेके आए हैं। ये स्किन के अंदर जो स्कार्स आ जाते हैं इंजरी की वजह से, सर्जरी की वजह से या किसी भी कारणवश अगर स्कार आ गए, तो उससे निजात पाने का, उसको रिमूव करने के लिए ये एडवांस फॉर्मूला है। तो वीडियो में आपको बताएंगे ओपेक्सा जेल के जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स बताएंगे, क्या कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है, कब कब इसका इस्तेमाल करना है और कितने टाइम तक आपको इसका इस्तेमाल करना है, साइड इफ़ेक्ट भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तो हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक सारी वीडियोज़ पहुँच सकें। तो ये कॉम्बिनेशन जेल है जो कि आपके स्कार ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, एडवांस स्कार ट्रीटमेंट में यूज़ होता है इसका। पहले जान लेते हैं प्रोडक्ट के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन है। 10 ग्राम की क्वांटिटी के साथ ये प्रोडक्ट आ रहा है। प्रोडक्ट के पीछे जो भी इन्फॉर्मेशन मेंशन है वो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर। और ये सिलिकॉन जेल है, इसके अंदर विटामिन सी भी मौजूद है जो कि आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। साथ ही साथ प्रोडक्ट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो साथ में, ये प्राइस जो है, प्राइस जो इसका आ रहा है 586 MRP है। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों जगह से परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन ये थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा, अंडर 500 आपको मिल जाएगा, और लोकल फार्मेसी से भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 24 मंथ की एक्सपायरी के साथ यह प्रोडक्ट आता है। अजंता फार्मास्यूटिकल्स का ये प्रोडक्ट है। तो अब जान लेते हैं प्रोडक्ट क्या काम कैसे करता है, क्या बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट क्या है, आपके जो स्कार्स हैं उनको फ्लैटन करता है, उनको स्मूथ करता है और उनको सॉफ्टन करता है। जो भी स्कार है उसके ऊपर ये ऐसे काम करता है। साथ ही साथ जो डिसकलरेशन हो जाता है स्कार्स का, उसको भी ये रोकता है, रिड्यूस करता है। साथ ही साथ मॉइस्चर एक मेंटेन करके रखता है, विटामिन सी भी है तो मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है। और रिंकल फॉर्मेशन जो स्किन के ऊपर हो जाता है उसको, उससे भी बचाता है, उसको भी कम करता है और उससे बचाता भी है, प्रिवेंट करता है आपके जो भी फॉर्मेशन होता है रिंकल्स का उसका। तो ये थे इसके बेनिफिट। आपको यूज़ कैसे करना है ये बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, कई बार डॉक्टर जो है आपको कॉम्बिनेशन देगा जिसके अंदर आपका स्कार एंड क्रीम भी हो सकती है या अदर कोई भी क्रीम हो सकती है जो स्कार रिमूवल के लिए यूज़ होती है। तो उसमें आपको दिन में एक बार इसको लगाने के लिए और दिन में एक लगाने के लिए बोल सकता है दूसरी क्रीम को, या फिर दिन में दो बार आपको इसका इस्तेमाल करने के लिए सलाह दे सकते हैं डॉक्टर। वो बेसिकली आपके आपका जो स्कार है उसको देख के ही पता चलेगा कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है। बट आपको इसका इस्तेमाल रेगुलर करना है, उसको मिस नहीं करना और सेम टाइम पे इसका इस्तेमाल करना है, तभी आपको बेनिफिट होगा। और धीरे धीरे आप इसमें ओवर द टाइम 15 से 20 दिन या फिर एक महीने में डिफरेंस देख पाएंगे। उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। अगर डॉक्टर आपका कह रहा था आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बट एक महीने आप मैक्सिमम टाइम मान के चलिए, आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा और बेनिफिट दिखने इसके चालू हो जाएंगे। तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो जहाँ पे भी स्कार है उसको अच्छे से आपको पहले माइल्ड वॉश करना है। अगर वॉश नहीं कर सकते तो उसको किसी अच्छे वाइप से उसको सॉफ्टली, मतलब जेंटली उसको वाइप करना है। देन उसको ड्राई होने के बाद इसका एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करने के बाद इसके ऊपर कुछ लगाना नहीं, कुछ टाइम के लिए इसको एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देना है। ये अपने आप ही एक लेयर बना लेता है स्कार के ऊपर और फिर उस पर असर करता है। तो 5-10 मिनट आप उसको छोड़ सकते हैं, उसके बाद आप जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं, डेली एक्टिविटीज़ हैं, उसको कर सकते हैं। रात में लगा के ज़रूर सोना है, इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा रात में दिखता है। बॉडी अपने आप को काम रहती है और आपको ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं होती, तो इससे आपके जो स्कार है उसके ऊपर एक अच्छी लेयरिंग, मोटी लेयरिंग रहेगी और आपका जो स्कार है वो अच्छे से भरेगा। तो इसका यूजेज मैंने आपको बता दिया कैसे इस्तेमाल करना है और कब कब इसका इस्तेमाल करना है, कितने टाइम तक आपको इस्तेमाल करना है, प्लस बेनिफिट बता दिए। साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। साइड इफ़ेक्ट इसके तब आते हैं जब इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जैसे कि आपकी स्किन जो है वो वहाँ से थिन होनी चालू हो जाएगी और उसको, मतलब अजीब सी लगेगा आपको कि थिननेस लगेगी। और अगर ओवर द टाइम, मतलब आप बहुत ज़्यादा टाइम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तब सिर्फ इसका यही साइड इफ़ेक्ट है। और कई लोगों में इचिंग की प्रॉब्लम भी रही है, तो ये इचिंग वाला जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी अनकॉमन है, बट ये मतलब 10 में से 5 लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट आ जाता है। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ करके देखिए। अगर डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया तो इसको इस्तेमाल प्रॉपर करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं उस कमेंट को पढ़ के एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करूँगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।